गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 13। तो आज हम ग्रुप्स देखेंगे और ग्रुप्स यानी कि एक 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 जो थिंग्स एक जो वस्तु है उससे ज़्यादा गिनेंगे हम, उससे ज़्यादा जो चीज़ होती है उसे हम ग्रुप बोलेंगे। तो वर्ड ग्रुप यानी कि यहाँ पे वर्ड ग्रुप शब्दों का ग्रुप बनाना है हमें। ओके, राइट द वर्ड्स, आपको वर्ड्स लिखने हैं गिवन बिलो, नीचे दिए गए वर्ड्स लिखने हैं आपको, इन देयर उनकी प्रॉपर ग्रुप्स में आपको वर्ड्स लिखने हैं। प्रॉपर, यहाँ जो PROPER प्रॉपर यानी कि उसकी सही जगह पे, उसके योग्य, जो योग्य उस प्रॉपर को क्या बोलेंगे हम, योग्य, तो उसकी सही जो ग्रुप्स है तो सही ग्रुप में हमें रखना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एप्पल, तो एप्पल क्या है, वो एप्पल फ्रूट, तो एप्पल हम फ्रूट है तो हम उसे फ्रूट में गिनेंगे। हैंड, तो हैंड क्या है, तो हमारा ये बॉडी का जो है, बॉडी हमारा शरीर, तो उसका ये भाग है, तो जो बॉडी है उसका ये पार्ट है। बस, तो बस क्या है, व्हीकल है, एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, व्हीकल। तो जो व्हीकल का ग्रुप है हम उसमें रखेंगे बस। आउल, तो ये क्या है, बर्ड, तो हम उसे, हम जानते हैं आउल बर्ड है, तो बर्ड के ग्रुप में रखेंगे। आइज, तो हमें ये जो हमारी बॉडी है उसमें आइज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो हम जो बॉडी पार्ट है उसमें रखेंगे हम। स्पैरो, SPARROW, स्पैरो यानी कि चकली, तो स्पैरो चिड़िया, तो हम उसे बर्ड के ग्रुप में रखेंगे। ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स द्राक्ष जो है हम उसे फ्रूट के ग्रुप में रखेंगे। JEEP, जीप यानी कि जीप, तो ये व्हीकल जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दे उसमें हम व्हीकल जो है उसमें हम ग्रुप में रखेंगे। शिप, तो व्हीकल के ग्रुप में रखेंगे। मैंगो, फ्रूट के ग्रुप में रखेंगे। पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक, मोर, तो हम उसे बर्ड के ग्रुप में रखेंगे। ईयर्स, EARS, ईयर्स यानी कि जो बॉडी पार्ट है हमारा उसमें रखेंगे हम। नोज यानी कि नाक, NOSE, नोज, तो जो हमारा बॉडी का जो ये है पार्ट उसमें हम रखेंगे। कार, तो व्हीकल। पपैया, PAPAYA, पपैया, तो फ्रूट में रखेंगे हम उसे। CROW, क्रॉ, तो बर्ड्स के ग्रुप में रखेंगे हम। तो अभी हमने ये जो सारा देख, ये पिक्चर और उसके वर्ड्स हमने देखे हैं, तो नीचे दिए गए हुए ग्रुप में हमें लिखना है। तो लेट्स सी, क्या, चलो हम लिखते हैं। तो पहले व्हीकल्स, तो व्हीकल्स में कौन कौन सा आया, तो पहले बस, BUS बस, जीप, JEEP जीप, शिप, SHIP शिप, जो पानी में चलता है वो शिप। कार, CAR कार, तो ये जो व्हीकल्स है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसमें बैठ के जाते हैं, तो हम उसे व्हीकल का ग्रुप का नाम देंगे। नेक्स्ट बर्ड्स, तो बर्ड्स में आउल, स्पैरो चिड़िया, पिकॉक, PEACOCK पिकॉक, क्रॉ, तो ये जो है वो उड़ सकते हैं, बर्ड्स जो है वो उड़ सकते हैं, तो जो उड़ते हैं तो हम उसे बर्ड्स के ग्रुप में रखेंगे।
फ्रूट्स, तो फ्रूट्स जो है वो, फ्रूट्स तो हम फ्रूट्स सभी फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल भी आप खाते हो तो उसे हम एप्पल जो फ्रूट्स के ग्रुप में रखेंगे, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। जो द्राक्ष है वो हम खाते हैं, मैंगो और पपैया, तो हम ये सब को हम रखेंगे फ्रूट्स के ग्रुप में रखेंगे, ये फ्रूट्स के ग्रुप में रखेंगे। ओके, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसमें हम कितने हमारे भाग है, कितने अंग है, कितने भाग है, तो हमने देखा तो हैंड, हाथ, HND, हैंड, आईज, आंखें, ईयर्स, कान, NOSE, नोज। तो ये जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो गया, यानी कि हमारे शरीर के भाग है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये हमें समझना है कि कौन कौन सी चीज जो है वो, कौन कौन सी जो वर्ड है वो, जो कौन कौन से यहाँ पे ग्रुप है आपको समझना है। पहले व्हीकल्स का ग्रुप है, फिर बर्ड्स का ग्रुप है, फिर फ्रूट्स का ग्रुप है, फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी का ग्रुप है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो चीज है, ये जो है वो किस ग्रुप में आते हैं। तो आप एक बार इसे नोटबुक में लिख ली, एक बार इसे आप अपने नोटबुक में लिखिए और आपकी ग्रामर बुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।